जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवी रो सीधा प्रसारण कार्यक्रम भक्त अनुभूति को आपण मानक स्वागत करुच्छे। मध्यान समय जगन्नाथ श्रीक्षेत्र जो जगन्नाथ सिंहद्वार समय मध्यान समय भक्त अनुभूति प्रत्येक दिन प्रसारण करा जाए आपण मानक। आज प्रबल खरा सत्वे भी आपण देखुंट सिंहद्वार सम्मुखें लोक मैंने का भा भक्त जाऊँगी तथापि भक्त अच्छा जी जुआ मंदिर भितर छाई जगह प्रभु को दर्शन करार विश्राम टे तथापि आम आरंभ करवा किसी भक्त आपण मानी उत्साह सहित आसी से भक्तिर कथा को प्रकाश करने स्वागत करवा प्रथम कार्यक्रम आरंभ कर प्रथम भक्त आसी पहुँची। जय जगन्नाथ। कौन टे आप ना टे कह राजेश कुमार दास। मो ना राजेश कुमार दास। मु भद्रक जिला बासुदेवपुर ब्लॉक बेतड़ अंचल आसी अच्छे भद्रक बासुदेवपुर कहले ये हम आज एत पी मान तो नहीं आसीचन आज स्थिर कले समय आसवा ना 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 मुझ गत आसल आसवर मुख्य कारण हूँ मो पु आप विश्वास कर छोट पाटे सी मो माँ सहित तो सबुदिन जगन्नाथ टीवी देखे मुझे घर को फेरे रात दसटा एगारे मो दुकान बंद कर सी सब जिद करे बाबा मुझे तो माँ सहित तो, मो माँ को भी सी माँ डाके जेजेमा को मुँह तो माँ सहित तो सबुदिन टीवी रे देखु जगन्नाथ पुरी को आप कहीं बाबा मत नहीं जाऊना आ थे एमती कहीकि जिद कर कांदा मु दुकान थाए से फोन करी ता मामा को कहला कि मामा फोन करो बाबा आस आज पूरी नहीं जी मुझे आज कौन संभव हो पार कि पूरी नहीं बोली आम दिन धार्य कलु आज मोर आनिवर्सरी आई आम फैमिली आस बुलाक हाउ बहुत वार्षिक उत्सव आपन पालन कर महाप्रभु दर्शन में कितु आम जो अनुभूति कार्यक्रम आप घरे रही देखती भक्त मैंने सुंदर दिन घटना कहते आपण सेमती दिन घटना मन रखिंटे पूरी जी कालिया दर्शन करी अनुभूति कह मनर गोटे आग्रह रही अनुभूति कौन प्रकाश कले से दिन घटना कौन घटे से दिन होता बोली आकान थाए से दिन सडनली मत घर फोन गला कि पु कांदुची बोली मो पु ना राजवीर आ पु कांदुची मुझे कौन पर कांदुची ना मुझे जी आगे केमी कौन कहला ना सी कह माँ सहित प्रतिदिन राति दिन मुझे देखुची किंतु मु जगन्नाथ प्रभु आउ पुरी धाम बुलाया को जी मत नहीं चल से दिन जिद कला कांदा किंतु आ मो द्वारा संभव है कि मुझे दिन नहीं आसवि बोली आम दिन धर्ज कलु कि आम यही दिन जावा आज दिन भी मोपाई शुभमय कहीं जेहेतु आज मो वार्षिक निश्चित से कथा तो कहले अनुभूति टे कह एमती किसी विपद आसी से विपदर आप प्रभु को डाक दिन आपन को प्रभु साहय कर गोटे दिन गोटे घटना कहते एमती बहुत घटना अच्छी मुझे भगवान को सतरे किसी मुझे मागे ना कहीं मागे पूर्व काली भी आसती किसी मागे ना कहीं से जितेक दे मोपाई बहुत एवं भी दौरान बिना मागण में मतलब सब मिल जाए मुझे बहुत खुशी अच्छी आख भी बहुत गुड़ा फेस कर कथा कहले पाई सब पाइबा को मन रखिंट दुख के भूल न थाए कारण दुखर जंत्रणा दुखर जो कष्ट कई के भूल न था से बेले आम भगवान को मन रखि था कहले से दुखद समय कौन कौन सब आपखीन होते जमीक मुझे भावि नी मो मैंने एमती टाइम मो बाबा आमको छाड़ी चली जाइए केमती मो से पाठ पढ़ु थाए भावि नी कि एमती दुख आसवी किंतु तापर सब भगवान एमती कले सब ठीक ठाक होगा सेत बहुत भांगी पड़ी थाए कहीं से प्लस टू टाइम से कथा कहूँ से दुनिया को नुआ नुआ मुझे बोलू थाए से बापा सडनली मोर बापा चलीगले आउे छः मस पर भौणीर बाहर आने एत जोर से भांगी पड़ी थाए कि सब जिनस को ये सिचुएसन को मुझे फेस करी कि भगवान सब जिन सब ठीक ठाक होगा एवं बहुत खुशी अच्छे सब फैमिली सब किसी असुविधा ना सब जय जगन्नाथ हिसाब ना निश्चित आप जो अनुभूति कथा कहले बापा देहांत हटात है जो समय जोटा कि आप दायित्व ना घर दायित्व एक बड़ पु आज्ञा बड़ पु आज बड़ पुंर कि दायित्व अच्छे आप भाविले आज्ञा आज्ञा से बहुत मानने कम बयस मेच्योर हो गली मुझे भावि नी ये सब जिन पर भितर पशी ये करी से मौज मस्ती सांगसाथी बुलाबूली आ सडनली मो सहित एमती घटना घटला से परिवार रो बोझ मुंड पर नहीं कि जितेबाला आपड़ निजे कहते घर दायित्व कौन मुझे जान नी बापा थे वास्तविक समस्त क्षेत्र में से हुए कि हटात ये चड़क पड़ा घर दायित्व ने भी बहुत बहनी घर केमी चल से समय कौन कले
ନିଜକୁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲି, ଛୋଟ ଜବ୍ଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଜବ୍ କରିବା କଲି, ଧୀରେ 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 ମା ସହିତ ମାଆର କଥା ମାନି ପରିବାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲି, ଏମିତି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ବାସ୍ତବିକ ଠିକ୍ କଥାଟିଏ କହିଲେ, ବିପଦ ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ହାତ ବଢ଼ିକି ହାତକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି ବି ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି କହିଲେ ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। ସେ ଘଟଣା ଭିତରେ ଯିଏ ଛନ୍ଦି ହେଇତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥାଏ, ହଠାତ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ। ଏଭଳି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, କୃପା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କୃପା ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ହଉ, ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନାଁ ଟିକେ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି ତିଗିରିଆ ସମ୍ପଡ଼ାରୁ। ତିଗିଡ଼ିଆ ସମ୍ପଡ଼ା, କ'ଣ ଭାଇ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାର, ମୂଳ ଶାଗ ଆଉ ବେପାର ବାତି କେତେବେଳେ ଆଉଛି। ବେପାର ଚାଲିଛି ଠିକ, ପ୍ରଭୁ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଯିଏ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ କି ପୁରୀ ଆସିଲେ କାଳିଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଟିକେ ଅନୁଭୂତି କହିବେ, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଭାଇମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଏଇ ଗଲା 2023 ମସିହାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହଠାତ୍ ଆମ ଜୁଆଇଙ୍କର ଦେହ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ମୋ ଭେଣେଇ ଡାକିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଗଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଇଥିଲା, 230 ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। 230 ବଢ଼ିଯାଇ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଦୋକାନରୁ ଉଠିକି ସେ ଏଇ ପାଖରେ କେନାଲଟା, ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଆମର ଯାଇଛି ଯେଉଁ ସାପୁଆ, ସେ ସାପୁଆକୁ ବୋଧେ ଝାଡ଼ଫାଡ଼ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ, ହଠାତ୍ ଏଠୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠୁ କେତେ ବସିକି ଏଠୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ଏଠୁ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ, ଆମର ତିଗିରିଆ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ତିଗିରିଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାଲିଆ ନେଇକି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଭଲ ହେଲାନି, ଘରକୁ ଫେରି ଆଣିକି ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସିବା ପରେ ଦେହ ବେଶୀ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ଭେଣୀ ଘର ପାଖରେ କି ଆମ ଗାଁ ଗୋଳପୁର ପାଖରେ ଲାଗିଛି, ସେଠୁ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁକି ଆଣିକି ନେଇକି ଗଲେ ତିଗିରିଆ। ତିଗିରିଆରୁ ଆମେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଚିହ୍ନା ପରିଚ, କାରଣ ଆମ ଗାଁ ଜ୍ୱାଇଁ ସିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସିଏ ତ ଦେଖିକି ସବୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ତ ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର କଟକ ନେଇଯା, ନହେଲେ ବ୍ରେନ୍ ଫାଟିଯିବ ସେ ଯୋଗ ବାଇଚାନ୍ସ। ସେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ, ତ ସିଏ କ'ଣ ହେବେ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ନା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଚାରିବ ନେଇଯା, ନହେଲେ ଝିଅକୁ ଘରେ କ'ଣ ରଖିବ? ଏମିତି ବହୁତ ପରେ କହିଲେ, ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଲ ବାହାରି କିଛି ନାହିଁ, ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଖାଇବୁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ମୁଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସିକର ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ସେଠୁ ଡାକିକି ଗଲି, ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଗିରିଆ ନେଇକି ଗଲି ମେଡ଼ିକାଲ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ଆସିକି ଠିକ୍ ସାଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏକ ଲାଗିଲା। ଏକ ଲାଗିଗଲା ବେଲେ ଗଲେ ଠିକ୍ ଏକ ଯିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ମୋତେ ମନା କଲେ। ସେତ ସେ ବିପି 232 ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟିନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ, ଏକର ମୁଣ୍ଡଟା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏକା ଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତ ଏଠି ଭଲ ହେବ, ତୁମେ ନେଇଯାଅ ଅନ୍ୟ ଠିକି। ସେଠୁ କ'ଣ କରୁ, ପଇସା ପତ୍ର ଫେର ଠିକ୍ କରିକି ତା ପର ଦିନ ସେଠୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ଗଲି। ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି ସିଏ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାକିକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଏ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସାରିଦିଅ। ମୋତେ ଆସିକି ପଚାରିଲେ, ନାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି, କାରଣ 232 ଯେଉଁଠୁ ବିପି ବଢ଼ିଛି ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ମନେ ଭାବି କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା, ଏ ଭାବିକି ଏଠୁ ଆସିଲି। ସେ କହିଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବନି, ତାହେଲେ କିଛି କହିଲେନି। ସେଠୁ ଆଣିକି ଆସିଲୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେରିକା ସବୁ ଦେଲେ, ସେଠୁ ଭଲ ହେଲା। ତାପରେ ସେଠି ରହିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ଦିନ ଥରେ ଥରେ ଯାଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ, ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଥୋଡ଼ି କେଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏପଟେ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ। ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀକି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ଭକ୍ତି ସହିତ, ଯେମିତି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ବିପଦ ପାଖରେ ଥିବେ, ଏପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ। ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ବିପଦରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ ଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା। ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, କହିବେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ନାଁ ଟିକେ? ମୋ ନାଁ ସ୍ୱାଗତିକା ସାହୁ।
स्वागतिका साहू स्वागत समस्त करूँ ताल आज मध्यान समय भक्त अनुभूति कौन कर नागपुर रोची मो हजबैंड से जब कर तो यही मु पूरी आसवी बोली पूरा नागपुर आसी थी बट हाँ तो मोर किसी प्लानिंग ना आसार मुनागपुर भाभी आसती कि मत जमी अबड़ा खाइार अच्छे बर्तमान सिंहद्वार पहुँची अबड़ा खाइबाक आखा जाए अबड़ा खाइबे कि अबड़ा खा मोर मनस्कामना भगवान अलरेडी पूर्ण करदे मु जगन्नाथ दर्शन करी बोली भी भावी नी मु नागपुर आसी गोटे फंक्शन हटात रात कौन है कि आम सडन प्लान कलु आते मतलब भगवान देखा देले निज घर कौटी कहले शीतलापल्ली ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर आपण जो आम कार्यक्रम देखुं जय जगन्नाथ टीवी आज आपंकर इच्छा था कालिया दर्शन करेंगे महाप्रसाद खाइबे ता महाप्रभु पूरण कर मन भितर अतीतर हो किसी घटना रखिथे से प्रभु सहित आप प्रभु को डाक से अनुभूति कथा टे कह गए कौन अनुभूति समस्त प्रकाश कर अनुभूति माने मु तो एबे मतलब स्टूडेंट लाइफ तो सेमती किछ अनुभूति नै बट मु एती जानछि कि भगवान पूरा चलंती ठाकुर आ तमे जहा मागो जहा को भगवान सेडा सुनंती आ पूर्ण भी करंती इच्छा सेडा होछि मु चलंती ठाकुर ए आजिर घटना को नै आपण कहउछन यस पूरा आजिर घटना मोर किछि माने प्लानिंग नथिला मते भगवान डाकिले मु आसिली आ पूरा भगवान को पाखु जाय मु दर्शन करि हाउ दर्शन मानसिक मनस्कामना अभिलाष पूरण हो खरारे कहीं ठिया हे धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसतु अनुभूति रखि भक्त मान को आम स्वागत करवा कौन भाई ना टे कह कौट आशोक कुमार साहू चिकिटी पितातल आसी मु जो झी आग कहीगला बहुत छोट बड़े मानते जो छोट छोटे से मोर पु को झी को दुई जन जा धरिक आसती अच्छा आपण पर नहीं आज आसी निजस्व आप जो अनुभूति कहे पारिवारिक पु अच्छा झील अच्छा समस्त की भगवान देखते आपड़ निजर जो ये हाँ अनुभूति आरंभ करवा खरा हो जो आसली एमती आगे खरा हो जाए आ खरारे से तो ये सुविधा न था जोपट जाऊ द्वार बंद लाइन में ठिया हो जाऊ जाऊ द्वार बंद मत आई बुद्धि देखा गलानी मो पा छुआटा मानने दुजन जाक डल बिकल कादे भक अवसर ईले कौन कली मुझे पारिनी भगवान एम को धरिक मुझे पारिनी मत कौन है गोटे कह मु नील चक्र को अन बहुत कांदी पकईली भगवान मुझे एत दूर मो पा धरिक आसी मो आप दर्शन करपर मो पा कौन आप दर्शन करें से भितर हटात एम पान दस मिनट मत कई जन भर आसिक मत टाणी टाणी मो पा छुआ धरिक गले दर्शन करेल भोग कर से दिन जान भगवान बोले जगतर नाथ जगन्नाथ केत वर्ष ते आई सब समस्या पड़े आप झील आगुरी कही गला से झील जो छोटे आजा बोले तीन वर्ष चार वर्ष झील थी आ पु दुई वर्ष रही समय कथा आजा बोले आज की 22 वर्ष 20 वर्ष कथा 22 वर्ष तले प्रभु को मन रखिंट अनुभूति पाई कांदिकी कहले द्वार बंद हो जो द्वार गए कहीं बंद तो हवा कथ ना से पंडा मैंने बाहर कर दे था घोड़ था खाली आम गला कबाड़ बंद कर दौर भगवान कौन इच्छा मानते भोग लगुव कि भितर कि कौन हो नीति समय आपण गले साधारण दर्शन किसी समय आम बंद हुए अन्न मंदिर अपेक्षा मंदिर नीतिकांति स्वतंत्र साधारण केत भोग चलत साधारण दर्शन मिलेन से आप कह दर्शन अभिलाष रखिले भी कदापि पाइबे हाउ दर्शन पाई धन्यवाद देवी जाए जय जगन्नाथ आसतु से ही भक्त को नहीं आम कार्यक्रम आरंभ करे जय जगन्नाथ कौन कह ना कौन कौट आसी जो प्रकार खरा हो आग्रह देखी आम निश्चित भाव ना टे रश्मि चौहान कोरापुट जयपुर सबर श्रीक्षेत्र सबर श्रीक्षेत्र आपण सबर श्रीक्षेत्र बोली सेटो से स्थान कहीं कौन आज्ञा से तो सबर माने पूजा करथुले से जको सबर श्रीक्षेत्र बोली कि कहा जाए आज जगन्नाथ दर्शन संपूर्ण भाव मान मन शांति पर्यटन दर्शन कर तीन चार दिन तले मु रिजर्वेशन करी टिकेट मानने जी बोल मो सान भर देह खराब है से जो आसपारुनि तपर का हटात करके बाहर आज्ञा हाउ ये समस्या समस्त सम्मुखीन हमें आसवाक इच्छा थे महाप्रभु
आणवे बर्तमान लोक जो प्रकार जनसंख्या बढ़ला समस्त की टिकेट मिले आपण आज कहले कल टिकेट मिलनी आम भी से अनुभव करमक भी टिकेट मिलूनी हाउ निजर अनुभूति टी प्रकाश कर जो आसी खरारे आमर भक्त बंधु मैंने सीधा प्रसारण कार्यक्रम ये जय जगन्नाथ टीवी सुंदर भाव में गोटे घटना एमती कहे भक्त मैंने देखुं आप दिन घटना टी अनुभूति गोटे कह आज्ञा मुझे कोरापुट थे जा मानने गला बर्ष कथा कह नरसिंह जात्रा थी आम दीदी सहित जाठी मो मोबाइल आज्ञा मो पकेट्रु पड़गला मुझे दूर है पड़गला मुझे जापारे जड़े मानने मंदिर पछकानी जगन्नाथ मंदिर अच्छी से पछकानी पड़ी मुझे दूर पलैल अटोरे आसी जड़े मत जड़े आसिक आज्ञा हाथ में धरईदे हाथ में आणिक धरईदे आज्ञा मुझे मानते मुझे जानी जो भगवान मत आज कल मोबाइल हजिगला भगवान आणिक दौंस केते भक्ति आपण भगवान को करती कहले मुझे पादर आपण समर्पित होती इे कांद आसूची ठीक कथा कांद कौन पाई कि समर्पित कौटी हेले से कथाटी कहले कहीं समर्पित जीवा भगवान पाखे से दिन टी भल दिन टे कह अज्ञा मु तो एत मान प्रभु आगे एत नी मुझे गोटे तीन चार वर्ष पांच वर्ष हम आज्ञा मुझे प्रति एत मानने भक्ति अच्छी आ जीवन तो किसी ना जोड़ा करेंगे से ही कथा जो कौन तीन चार वर्ष भितर आपंती परिवर्तन प्रभु प्रति भक्ति भाव आसी कहीं कौन आगुरी नाला से घटना मानते जाणी नी आज्ञा मानने प्रभु अच्छा एमती एमती जदि शरण जा ना आज्ञा मुझे न था बास निजे कहते कि निज शरण से नगला पर्यंत आप बची न था कहते कौन होता से कहले कौन ये घटना मुझे मानने सब एम भावार बाबा भी देह भल ना तापर टे दुखर थी आज्ञा प्रभु ना मुझे न था शरण से जब जा ना मुझे भी न था कहीं कौन पाई कौन किसी विकल्प नहीं आत्महत्या करेंगे सेमती किसी ना आज्ञा रही न था कारण से कहते जो सी नथिले तांको पाखुक शरण न जाइले मुझे बंची न था घटना टी कौन घटना किसी ना मानने सेमती आज्ञा बेस दुखर थवर तो आँ करी कौन ना सेमती किसी भावि नी प्रभु प्रभु शरण जब गली मैंने प्रभु कहीदेली भगवान मुझे शरण समर्पण आपड़ जोड़ा करेंगे आप देखिए ए मोर आई समस्ते जय जगन्नाथ को मानतु प्रति समर्पण हो जा सब भल हो सब भल रे आपण कहते आप भल है रही था मुझे मानु नी आज मुझे जानी नी जगन्नाथ को मानु नी मानुंत जिते बड़े विपद पड़े जिते बड़े माड़ हुए मन को जगन्नाथ अच्छा मानवे प्रभु तो ना किए भी न थी हम सेमती किसी ना प्रभु अच्छा आम जानू प्रभु नथिले आम बचानी सब लोग कहना कि आप कहते मु न था सेमती माड़टा खाई बोधे हाउ प्रभु पाखक आसतु भक्ति भाव था धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ प्रकृत में महाप्रभु जिते बड़े कौन बाड़ा निश्चित प्रभु जिते बाड़े कौन प्रकार शब्द हो नई जानू मत ही माड़ है तेणु बाट पाइब प्रभु शरणापन जीवाक से ठीक प्रभु पाद तले आसी समर्पित जाइव निज पर समर्पित होवार बाट पाइब हाउ भावर ठाकुर केते बेले भक्त को स्नेह करती कारण भगवान कहले मुझ सदा बेले भक्त अधीन भक्त जिते बेले जहाँ कह भक्त कथा पूरण करी आसत से भक्त पूरण कर भगवान होती जगन्नाथ तक निकट को अनेक आसी भक्त कौन भाई ना कौन कौट आ मो ना अजय शर्मा अच्छी छत्तीसगढ़ टू आसी रायपुर छत्तीसगढ़ टू आसी अजय शर्मा अजय शर्मा अच्छा छत्तीसगढ़ मान रायपुर हाँ हनुमान सिंदूर लगी हनुमान को भक्ति कर आज्ञा आज्ञा बहुत प्रभु को इच्छा बहुत ठाकुर को कालिया ठाकुर को जगन्नाथ महाप्रभु को जहाँ इच्छा मांगी कालिया ठाकुर दे चलती 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 से ही खुशी रे खुशी लगी माँ घंट खुशी खुशी रे आपण आसी निश्चित भाव आमर ये जगन्नाथ क्षेत्र जानी बोले आसी प्रथम कहले जिते क्षेत्र को आसे भल लगे शांति लगे बहुत शांति लगुच इच्छा होनी घर जावाई कहीं
महाप्रभु बसी चंती, महाप्रभु बसी चंती बड़ दांड रे सब को देखु चंती माने से एंतिका भाव ठाकुर अछि, भाव ठाकुर अछि हो से एमितिका भाव ठाकुर अछि समस्त के भाव दउछि। अनुभूति कहले कोन अनुभूति से भाव ठाकुर ठु पाइछि? अनुभूति कहले माने घर रो जो टेंशन आउ जो अमर जो विपत्ति चलितला ठाकुर को सही जो विपत्ति चलितला कौन विपत्ति चलितला? विपत्ति माने जेंती अमर घर दुख सुख कालिया ठाकुर को कहली कि कालिया ठाकुर जा तुम ऊपर जा ये तमे ही अन्याय न्याय तमे ही करिव सब मु छाड़ी देली। आउ न्याय अन्याय से विचार कौन कले ठाकुर जा देखु चंती सही कोई परियो मो तांको मन हृदय रे मु जाई के ये कोई पनु जा दउ चंती देला वाला से सब करू चंती से। छत्तीसगढ़ केते दूर होलानी आउर अनेक मंदिर ए जगन्नाथ को देखिबा पई कि पुरी के आसीबा ये प्रथम ना अगुरु एंती मु एटी हे गेलो अराउंड 32 वर्ष हे गेलो मो कटक रे रहउतली अभीगा पळे गेली सेटी काम धंधा करू जी। 32 वर्ष कटक रे रहई के फिर पळेले आज्ञा 32 वर्ष रहिबा भितर उड़िया संपूर्ण कहि पाइले नै आमे होजु ब्राह्मण मारवाड़ी समाज तो मारवाड़ी समाज को जे हाउ कोन ये पुड़िया कोन ये होजु तुलसी तुलसी महाप्रभुंग महाप्रभुंग तो कोन करिवे रखीबी प्रभुंग इच्छा जोठी मोर दाता दोजी जोठी मु पूजा करे सेठी मु ठाकुरंग को पूजा। ओहो आपण जो घर को जा घर को जिबे जजमान को घर को तुलसी देबे दक्षिणा टिके नै के आसी नै नै मु नै से एंते मु ब्राह्मण छी मु जी गोड़ो ब्राह्मण मु गोड़ो ब्राह्मण आ गया। हाउ खुशी अछंती आज प्रभु को दर्शन कर धन्यवाद देबी जय जगन्नाथ प्रभु को देखि के खुशी होंती समस्ते असंत आउ जने भक्त अछंती स्वागत करिवा अनुभव अनुभूति रो कार्यक्रम मध्यान समय रो अनुभूति कौन करिबा जो प्रकार प्रबल रु प्रबल जो प्रकार अवस्था आपण निजे देखुचन जय जगन्नाथ ना टे कहले मो जी श्री राजकुमार महंत मो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रो तिरिंग नुआगार लोक मो भगवान को तो फोटो को प्रथम जुहार करूथिले ला तापर एमती होई किना मते थरे से सपनो देला तापर सपनो होला बड़ मु कहली केमती जाई परबी एक टोंगा दुई टोंगा तो हेबो नै एतकी दूर रु तापर एमती भावे भावे भाभी भाई मुनि मु तो जाई पारबी नै कहली मु लोक को कहली मु तो सपनो मिलि छै मु जाई पारबी नै अरे जाई पारबो कहुछन तापर मु चुप देखि थिली 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 तम गोटे सांगा मते पाइला मते कहु छै बे पुरी काल जीवा हठात कहला काली जीवा माने जीवा मु कहली काली जीवा माने जीवा हो ठीक अछि तापर हम एटा पूरा साडन आसी कि तापर आसी केठ मु तो भक्त जणै लेली आ मु जो जुआ चाहि थिली जेंती एठि मु देखा पई ताको सेमती मु ताको भेट करली आ सब किछि मु भल है कि मु वर्तमान माने जीवा पई रेडी होछि तापर आपण माने जो एटा करूछन तापर एटा देखि ये जय जगन्नाथ टीवी आपण देखती खुशी अच्छा जो कहले जगन्नाथ को फटो चित्र को पूजा करते भक्ति थिला ना भक्ति भाव न भक्ति मो पूरा भक्ति थिला मो भक्ति पूरा थिला से मुझे आसीपाली से मुझे भावुँ दुनिया भक्ति किंतु भगवान अच्छी से मुझे जापरली भगवान प्रकृत जगन्नाथ अच्छा ना एगुड़ा हो न था एत सबू एत जब जगन्नाथ न था असल हो नहीं था कली युगर तो जगन्नाथ ही प्रकृत भगवान बोलिकिना समस्ते जानते समस्त जानी पारु थिबे कलि युगरे जगन्नाथ सब युगरे अछन्ति आपण पुरी की आसन्ति केबे जगन्नाथ डाकिले ना एंती आपणकर जेपे डाकर मुटा आसी छी मु एंती आसी पारेनी ता डाकर मोठी एक टका भी पैसा नै किंतु मो सांगटा ता खर्चर मु आसी छी मु एक टका बेठी खर्च नै किंतु मु एठी जानी गेली सिस्टम सब से हिसाब रे आपण जते बेले कहउछन्ति काणी के नै टंकाटे नै कोन करउछन्ति आपण मु घर रही थाई बाप माने बड़ पु आ घर काम ही करे आ चासो फासो करे आ चासो फासो करी पैसा नै कोन कहउछन्ति अन्य पाखे रे आपण अन्य रे ऊपर भरोसा करउछन्ति भरोसा माने से मते कहला नै जीवी कहि किना तापर मु बोली पिलाडे जदी मते नै कि जीवी कहउछि मु कहले हो ताले मु जीवी कहली मते बोला चाल मु तते देखै किना नै आसबी कहला तापर तापर मु कहली हो ताले ठीक अछि आ तापर मु काली राती रे एठी स्वप्न से दिन स्वप्न भी पाइथिली मते से कहला तू एठी 1000 टका मानसिक देबो कहला आ थोर आसला बेले तू जे कहला मते जगन्नाथ ठाकुर कहला जे तू आउ थरे स्वप्न रे देखिल से मते आउ थरे आसले कहला धन्यवाद देबी आप जय जगन्नाथ प्रभु को पाखे रे स्वप्न रे भी भगवान को देखंती कैना भगवान एंती स्वप्न देश करंती साधारण भक्त मध्य भगवान को देखितबो जा स्वप्न रे देखितबो सी आसी एठी भी श्री मंदिर रे तार सी दर्शन पाई थाए आसंत आउ अनेक भक्त तांकर प्रभु को कथा कहिबे जय जगन्नाथ ना टिके कोंतु कोठु आसले
ରାଉରକେଲା ବଣେଇରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ନାଁଟା କହିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରକାଶିନୀ ଦାସ। ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଗ, ସିଧା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ହଁ ମୁଁ ପଚାରିଲେ କହିବେ, ତରତର ହେବେ ନା ନା? ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଖରା ଯାହା ହେଉଛି ମନକୁ ଆପଣ ଇଏ ହେବେ ନା? ଟିକେ କହିଲେ ଆଗ ଶାନ୍ତିରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିନୀ ଦାସ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବଣେଇରୁ। ବଣେଇ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି? ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଥିଲୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିକି ବୋହୂ ବି ପାଇଯାଇଛି, ନାତି ପାଇଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା, ସେଇ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଗଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖଟିଏ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର? ମୋ ସ୍ୱାମୀର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ଖରାପ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ତଳରେ ଇଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ଦେହାନ୍ତ? 13 ବର୍ଷ। 13 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବେ, କେମିତି ଚଳିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି କେମିତି କରିବି, ଦୁଇଟା ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିଲି। ଜବ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜବ୍ଟା ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଦୁଇ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସେ ବି +2 ITI କରିକି ବୋହୂ ବି ଆଣିଲି। ଚାକିରିଟି ସ୍ୱାମୀ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ୍ତ ପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଚାକିରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଖରାପ ହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳୁଛି ଏବେ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେମିତି ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚଳାନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ପରେ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣମୋହନ ସାହୁ, ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରପର୍ରୁ ଆସିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି? ସାର୍ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଅବସର ନେଲା ପରେ ସବୁ ସମୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛି ଜୀବନ ସାରା। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ବି କରିଛନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିକି, ଭଲ କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେବାର କଥା କହିଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଥିବେ ଅତି ନିକଟରୁ, ଯିଏ ସେବା କରେ ଅତି ନିକଟରୁ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଘରେ ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫେଣି ଭୋଗ ହଉ ଯାହା ଭୋଗ ଟିକେ ମୁଁ ପାଏ, ମୋର ସେଇ ସ୍ଥଳୀରୁ ଭୋଗ ସରିଯାଇଥିଲା। 2-3 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ବିକଳ ହେଇକି ଥିଲି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇପାରୁନି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି। ଶୁଣିଲି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ଆଉ ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକରି ଆସିବେ ଠାକୁରଙ୍କର, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଟିକେ ପାଇବା କଥା ପାଇପାରୁନି। ନା ରେ, ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆଣିବି, ତଥାପି ମୋର ଯିବାର ଅଛି ଉପରଓଳି, ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆଣିବି। ସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କଲି, ସିଏ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିକଳ ହେଇ ଜଣଉଛି, କେମିତି ମୋର ଆଜି ଆସିଛି, ମୁଁ ଖୁସି, ବହୁତ ଦିନ ବଡ଼ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇପାରୁନି। ତାପରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ସେଥିରେ ପୂଜା କଲି, ତ ଏମିତି ରହିଲା, ସେ ଆଉ ଆସିଲାନି। ତା ଦିନର ପୂଜା କରି ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିକିରି ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ସେ ଭୋଗ ଥାଳିଟା ଯେଉଁ ଡବାଟାକୁ ଦେଖିଦିଏ, ସେଥିରେ ଫୁଲ୍ ହେଇକିରି ଅଛି ଫେଣି ଭୋଗ। ମିଶାଚିକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଫେଣି ଭୋଗ ଆସିଲା କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ତ କାଲିଠୁ ବିକଳ ପାଇନଥିଲି, ସେ ବାଉତ କାଲି ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଣିଦେଲେନି, ଏଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ନା ଆଉ ଏମିତି ମୋ ସାନ ଶଳା ଯିଏ କହିଲା, ସେ ତାର ପୁରୀରେ କୋର୍ଟରେ କାମ ଥିଲା, ସେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଭୋଗ ଆଣିଲି। ମୁଁ ସେ କେବେ ଆଣିବାର ନଜିର ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଆଣିଦେଲା? ଗୋଟେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିକଳ ହେଉଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାଖରେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମହାନ, ଆଉ ତୁମ ଛଡ଼ା କାମ ଆଉ କିଏ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ। ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ, ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି, ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଗୋଟିଏ କହିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ, ଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଉ, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଉ, ଫେଣି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଉ, ପୁରୀକି ଆସିବାରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଉ, ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାହିଁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିବେ ନା ଏବେ ପୁରୀ ଯାଇ ହେବନି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଯାଇ ହେବନି, ମୁଁ କହିବି ଆରେ ଭିଡ଼ରୁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ? ତୁମକୁ ତ ସିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲୋକ ସିଏ ତାର ଅଛି, ତୁମେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏତେ କଥା କହିଲେ ହେବ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ 2-3 ଥର ଯେତେ ଭିଡ଼ ଫିଡ଼ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନ ମାନିକିରି ମୁଁ ମାନେ ଆସେ, କେବେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆରାମରେ 2-3 ଥର ପେଟ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିଛି, ଆଜି ବି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ଥର ମନ ଭରି ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ହିଁ ଫେରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାସ୍ତବିକ ତାହା ହିଁ ଅନୁଭବ।
जो मैंने दर्शन दर्शन करेगा लोक आ तुम कह सी अमुकटा हो समुकटा इठू कहीं तुम विचार कर तुम्हें छाड़ी दिव सी तुम दर्शन करमी पटे एम सब कहे मुझे मोर जो लक्ष्य मुझे आसे के असुविधा फेस करनी सबुद भगवान दर्शन आराम कर आज भी सेम आराम कर लक्ष्य टी अच्छी आपणकर दर्शन तेणु असुविधा कहीं हम जो मैंने द्वंद्व था भगवान तुम्हें द्वंद्व पकेबे गहली देखे धाड़ी देखे यहाँ निश्चित कथा आज्ञा निश्चित कथा प्रभु को जेबेटू आप कर्म भितर थिले समय कम पाथे वर्तमान अवसर नहीं अधिक समय पाँच प्रति मस तीन थर निश्चय पूरी मंदिर आसवाटा हम पक्का एवं दर्शन केबे किछ असुविधा है सब पूर्ण दर्शन है कि आराम कर हाउ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण दर्शन एक्सपीरियंस एवं रिसेंट घटला जो मुझे ठाकुर दर्शन कर पार नहीं हलिडे बुकिंग मिलूनी मुझे जून मस पर्यटन मुझे इनक्वारी करी मोटे फांका ना कौन कि दर्शन करी दिन गोटे जो बंधु कहे अरे भाई मुझे दर्शन कर पार कौन तू देख लु ट्रायल कलु से ट्रायल कर जड़े कैनसलेसन कर रिजर्वेशन मत मिलगला दुदिन मुझे आसिक पूरे रही आज शेष करके जाऊँ इच्छा बोली मुझे रिजर्वेशन पाइली ना निश्चित ठाकुर इच्छा जो नाला जो संभव नुहटा दिमास ट्राए करके हो ना दि दिन मिलना मत दिन आस ठाकुर पूर्ण हे दु थर तीन थर भले दर्शन कर प्रभु आपणकर व्याकुलता सेमती था प्रति कथार व्याकुलता प्रदर्शन करमती हलिडे होम मिलूनी कौन करी व्याकुलता प्रभु को डाक प्रभु दर्शन करने को इच्छा है ये भावना आसवा क्षण हलिडे होम जड़े क्यासल कर मिलूँ ये सब प्रभु लीला किए बुझी पार अगर किसी हुए ये पृथ्वी जहाँ घटे सब प्रभु बिना इच्छा कौन सी जिनस हुए ए मन जिते प्रभु पाखे जहाँ चाहूँ खोज था सब पाए हाउ ए मन खोजु थी जहाँ काले पर्वत हुए ता वेदर अच्छी पुराण अच्छी बड़ बड़ मुनि ऋषि मैंने आपण मैंने धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ एमती अनेक भक्त खुशी सहित आसती खुशी कथा भक्तिर कथा को प्रकाश करती खुशी दे पुणी पुनः फेरी जाते आहरी अच्छा निश्चित भाव भक्त अच्छा भक्तिर कथा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कौन ना टिके कहतु सुरेश कुमार राय रायगढ़ जिले रायगढ़ सुरेश कुमार राय सीधा ठिया हूँ कैमेरा कन कौन आपणकर मन भितर मनर कथा रखीदे प्रभु देदे से मनर कथा को रखिंट भक्त मान कह बहुत दिन आते मत प्रभु दया कले डोरी लगे मुझे आस फैमिली सह साए ना एकला मु भाबिले मते मु पळास आसे कि प्रभु को दर्शन करछन जाई छन अनुभूति जो जते थरो आसिलेनी आज कि मिसे गोटे दिन रो घटना अनुभूति कोन थरे मु विशाखापट्टनम जाईथिले गया सेपट रिटर्न आसला लोग एपट पुरी आसी बोली भाबि नथिले हमर पुत्र संगे मिसकी आस्तलो आसी रे विजयनगर जिले पहुंचलो ए पुरी गाडी थिला सांगे सांगे मन चेंज हो गया आज्ञा चेंज हो गया जगन्नाथ डोरी जमी लगेगा से गाड़ी पार हो गाड़ी पड़ा सी आसिक दर्शन करके जाते भगवान को डाकिले सब आम कष्ट सब दूर कर दिखते कष्ट दूर कर भगवान एमती कौन जीवन गोटे कष्ट कष्ट समस्त क्या कष्ट दुख छाड़े कौन एमती गोटे बड़ कष्ट आसला आप प्रभु को डाकिले प्रभु उधार कर प्रभु आम झील मैंने दीटा म्यारेज थे गोटे झील म्यारेज है गोटे झील म्यारेज होना थे पर भल संबंध गोटे लगला म्यारेज है प्रभु दया गोटे पु गोटे झील को हाउ पर भितर आप सबकि भगवान धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु पाखे जितेबले आम विश्वास रखि से विश्वास सहित देखुं भक्त केवल से अनुभव अनुभूति कही पार्टी करुणा पाई केवल समस्त भक्ति विश्वास रही गोटे ठाकुर जगन्नाथों पाखे आस भक्त अच्छा भक्तिर कथा अच्छी जय जगन्नाथ कौन टे ना कह कौट आस निरूपमा साहू निरूपमा साहू ढेका अनुभूति कहतु कौन निरूपमा साहूर अच्छी अनुभूति भक्त मैंने चाहते कहले कौन सी कह अनुभूति मोर सानपुर चाकरी पड़े जाइला मु जगन्नाथ मानस रखिली प्रभु जदि चाकरी खंडिक तार हो शहे एगार थर आपण चारिपटे बुलवि
ମୁଁ 111 ଥର ଚାଲିଲି, ସକାଳୁ ଚାଲିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମୋତେ। ତାପରେ ବାନାଣ୍ଡିଏ ବି ବାନ୍ଧିବି, ମାନିଷ ରଖିଲି, ବାନାଣ୍ଡିଏ ବାନ୍ଧିଲି, ପୁଅଟି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଲା। ମୋର ଏଇ ଅନୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲା, ପଳେଇଲା। ସେଇ ଚାକିରି ପାଇଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାକିରି? ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଲା, ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଲା। 111 ଥର ଆପଣ କେଉଁଠି ବୁଲିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚାରିପଟ ଯାକ ମୁଁ ବୁଲିଛି, ସକାଳୁ ଚାଲିଲି, ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ମନର ଭାବ ରହିଛି, ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଯଦି କାଳିଆ ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇବ। ମାଆ ଟିକେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ପିଲା ପାଇଁ, ହେଁ ଆପଣ ମାଆ ହେଇକି ପୁଅକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି 111 ଥର ବୁଲିଲେ? ମୁଁ ଚାରିପଟ ଯାକ ରାଉଣ୍ଡ କରିଛି, ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ବୁଲିଛନ୍ତି, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମା ଏ ଯେଉଁ ବେଢ଼ା ମାଳି ଧରିକି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିରି ଗଣି ଗଣିକିରି କରିଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛେ। ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମାର ବିଧାନ ରହିଥାଏ, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କାହିଁକି କରିବେ? ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କାହିଁକି କରିବେ? ଜଣେ ମା ନିଜର ଭକ୍ତିର କଥା, ବିଶ୍ୱାସର କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ପଳେଇଥିଲା। ମା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ପୁଅର ବିଚଳିତ ଦେଖି, ପୁଅର ଅସ୍ଥିର ଦେଖି ମା ମନ ସହିବନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ବେଢ଼ା କରିବି 111 ଥର। ଏ ଯେଉଁ 111 ବେଢ଼ା କରିବେ, ଏ ଚିନ୍ତା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ କେଉଁଠୁ? ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଲେ ମୁଁ 111 ଥର ବୁଲିବି, ଆଉ ବାନାଣ୍ଡିଏ ବାନ୍ଧିବି। ଚାକିରି ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିକିରି ମୁଁ ମୋର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିକିରି ଗଲି ଆଉ। ଓହୋ, ମାନସିକ ପୂରଣ ସରିଯାଇଛି, ବିଳମ୍ବ କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଳମ୍ବ କରିନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମ କଥା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଭକ୍ତମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବାକୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଯେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ। ମୋର ଏତିକି କଥା। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, 111 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିକି ପୁଅର ଚାକିରି ପୁଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ କଥା କରିଛି, କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ କହିଛି। ନା, ଆପଣ କହିନା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାଲିଛି ତୋ ପାଇଁ ପରିକ୍ରମା କରିଛି, 111 ଥର ବାନା ବାନ୍ଧିଛି, କହିଥିଲି ତାକୁ। ତାପରେ ଏବେ ବି ମାନେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଗଲାଣି। କେବଳ ସଫଳତା ଯେଉଁ ପୁଅର ପାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ମା ହେଇକି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ହଉ, ପିଲା ପ୍ରତି ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ, ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତରେ ମା ଟିଏ କେତେ ଆଦର କରେ ତାର ପିଲାକୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେ ହିଁ ମା। ମା ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କେହି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କେହି କରିପାରନ୍ତି, ମାଆର ବର୍ଣ୍ଣନା କେହି କରିପାରିନି। ତେଣୁ ମା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୂଜନୀୟା। ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା କେତେ, ଶରୀରକୁ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁ, 111 ଥର ମୁଁ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବି, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ବୁଲିବେ ଚାଲିବେ ମାଳା ଧରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆର ଋଣ କିଏ ଶୁଝିପାରେ? ଶୁଝିନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଭିଳାଷ ରଖି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ନା? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରିଙ୍କି ମହାନ୍ତି। ରିଙ୍କି ମହାନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବଲାଙ୍ଗୀର। ଓହୋ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଆମେ ଭଲ ପାଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ? ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କ'ଣ 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 ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୋତେ ଥରେ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ହିଁ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ଆସିଥିଲା, ଟ୍ୟୁମର୍ ଆସିଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆପଣ ହେଲେ, କ'ଣ କେମିତି ଟ୍ୟୁମର୍ କେତେ ବାଟ ଆସିଲା, କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ଘଟଣା ସବୁ କହିଲେ? ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଆଖି ପୁରା ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା କାଢ଼ି ଦେବାରୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ପୁରା ଅପରେସନ୍ ଭଲ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା କୃପାରୁ ଆଜି ଟ୍ୟୁମର୍ ଅପରେସନ୍ରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପୁରୀ ଆସିଛୁ।
जगन्नाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देवी से बहुत आमको साहय कर ये गोटे भल सागले आँ पाई सा बहुत किसी जिते बेले भी आम डाकू ठाकुर को से सब बेले आम कथा शुणी आ सब सब बेले ही आमको साहय करती। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। प्रभु को जिते बेले डाकी प्रभु मो कथा शुणी सरल हृदय नहीं सरल मन नहीं प्रभु को डाकी देले प्रभु सरलता को बेसी प्रशय दे था जटिलता को बेसी दूरे था आसतु जो भक्त मैंने अच्छा प्रभु सदा बेले देखते सरलता हृदय किए रही से हृदय सरलतार सहित से आसी कृपा कर। जय जगन्नाथ। कौन ना टे कह मना पी विजयलक्ष्मी। पी विजयलक्ष्मी कौटू दिगपहंडी। दिगपहंडी अनुभूति कह जगन्नाथ परम भक्त मु थरे सोई थिले मते एमती कौन गोटे अनुभूति है मुझे भाविली मुझे बंचीबी तो सही मु जगन्नाथ को स्मरण कली तो मु जगन्नाथ को डाकिली जे आज मु जो अवस्था अच्छी तुम्हें टी आसी था कि मत साइ कि समय पर शुणिली गोटे मानने गोटे स्मृति पाख आसिक मो शरीर जो भेद कला मुझे सुस्थ हो जाती से दिन मु जगन्नाथ को बहुत माने विश्वास करुची आ जगन्नाथ कहले मो जीवन भी दे दी। बाबा एते डेडिकेटेड एते दृढ़ विश्वास कौन किंतु से घटना टी जानी पाइले ने भक्त बंधु माने आपण विपद रे मृत्यु पाखु को जाईतिले कौन हेतिले कोरोना समय रे थरे मो सोई थिली तो मते एमिति माने विश्वास लागले मु बंची छी कि मरी छी तो सेतळे मोर माने मु स्मरण करुची मो जगन्नाथ को छोट मूर्ति टी धरथिली तो मुझ जगन्नाथ कहली मत कौन एम लगुच कहीं मुझे बचीवी ना मरवि ना कौन एमती तो भाविली मत गोटे चान्स दिंतु भगवान मुझे दुनिया में बचापी चाहूँगी तो मोर देह एत असुस्थ देखुच जगन्नाथ मूर्ति रखुची पाखे मत छोटी मानने गोटे आलोक टाइप आसी जाए मुझे देखी मुझे मोर अनुभूति मुझे देखी से आलोक आसी मो शरीर जो भेद कला मुझे संगे संगे सुस्थ हो मु सका जिते मो निजे उठिक माने मो निज काम जोगदान कर बहुत खुशी लगला जिते कोरोना समय कहते से कोरोना आक्रांत थिले कि मो देह पूरा माने बहुत माने माने कोरोना को भय कर पूरा असुस्थ हो जाती प्रकृत से जो अनुभूति आप कहते वास्तविक सत्य जिते देहांत हो प्राय भयर देहांत हो जाए कोरोना क्या हौ न हो कोरोना समय जहाँ टी देह खराब होगा मत कोरोना हो गला किंतु सेतेबेले आपण धैर्य रखिछंती किंतु मन भितर भय अछि काले मरि जेबे नै नै मरि जे कथा नै किंतु मते इमे काही लागिला मो मोर तो देह सुस्थ थिला हटा दे काही मते अनुभूति रे आसिला माने मो देह सीरियस अछि तो मु जगन्नाथ बहुत विश्वास करे आ जगन्नाथ कहले मु बहुत माने मानुछि आ जते दूर थिले भी मु जगन्नाथ को स्मरण करि मु जाए जगन्नाथ को देखे दर्शन करे जो जगह गले मु जगन्नाथ को दर्शन करि जे सेई दिन टु एडा बड संकल्प मन भितर आसी दृढ़ता आसी जदि जगन्नाथ जीवन देवा पड़े मुझे पछे गोटे अनुभूति गोटे सर्विस होल्डर अच्छी मोर मु भाभी मुझे जो भल हो जगन्नाथ मो फास्ट दरमाटा जहाँ आसो दे मुझे जगन्नाथ को हुंडी रे दान कर दान कर ये चिंता कहीं कले प्रथम दरमाटा मुझे न खाई जगन्नाथ को देवी प्रथम दरमा नहीं कि मोर जहाँ दरमा आसे मुझे भगवान को देदेवी कहीं जो निजे आस मत भगवान साहय कर दरमा निजे रखुना नहीं रखुची कि दरमा मुझे जगन्नाथ को देवाप मुझे प्रथम मसर दरमा मोर हो कि बहुत कितने दरमा मिले मुझे जगन्नाथ को मुझे संपूर्ण रूप हुंडी दान कर प्रतिज्ञा कर मोर जहाँ दरमा आसे मुझे जगन्नाथ को दान कर देली सही कथा कहूँ एबे चाकरी अच्छी आपण जहाँ दरमा पाँच किसी रखुना ना मोर एम खर्च हुए मुझे जो जगन्नाथ पाखु आसे मुझे ना कि दान कर जाए वास्तविक ही करवा कथा आमर निज जहाँ भगवान दया उपार्जन करुचे किसी अर्जन करुचे किसी देवता कार्य लगला मन मुगवान मोर पूरा दरमा खर्च मत के मानते दुख लगे मुझे भावे मुझे भगवान खर्च कर दरकार नहीं मुझे भगवान ही खर्च कर मनर शांति भगवान जो आम रोजगार करुचे आम कौन दबा केवल भक्ति भाव टिके दबा
धन्यवाद देवी। जय जगन्नाथ। प्रभु समस्ते दृढ़तार विश्वास सहित था। दृढ़ता आसे केते बेले ना जेते बेले पूर्ण समर्पित ही थांती, से पूर्ण समर्पित रे से थांती। आउ जने भक्त अछंती कोन आसी पहुंचले वर्तमान। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ना कोन? केशव कुमार मिश्रा तालचेर रु आसु। आमे मा हिंगुला अन्नभोग कमिटी तालचेर तरफरु। आपण विचलित होंतनी खरा जा होछु विचलित हेबे। हिंगुला पीठर आसी अग्निर अग्निर अग्निदेवता सी आपन को गरम किसी लगे ना। हाउ स्थिर भाव अनुभूति कह हिंगुला पीठर आम आसीचु। मोर अनुभूति हूँ रथ यात्रा प्रति वर्ष आसी दीर्घ 20 वर्ष होगा आम एठार अन्न प्रसाद बांटिक जाऊ गलापर घरे बस मुझे बाहुडा यात्रा सरला परे अधरपणा हुए। अधरपणा रे मु देखुजी जे अधरपणा हेला तापरे जो चूड़ा घसा भोग हुए मु जगन्नाथ को से जगह रे घरे बसी तालचेर रे बसी मुंडिया मारुची हे प्रभु मते ए चूड़ा भोग भोग केबे मिलंदानी मु तो केबे जाई पारुनी बाहुडा यात्रा को काहे कि रथ रे आमे आसुजु सेवा करी जाउजु आमो पाखरे समय नाही छुट्टी न थाए तेनु प्रभु केबे मिलंदानी। से वर्ष तालचेर रु जने भक्त आसीथिले एठी कि दर्शन करिवा पाए अधरपणा आउ से गौड़िया मठ रोते गौड़िया मठर महंत आसी रथ पाख को एवं से चूड़ा घसा भोग टिके धरिकी जाते आई भाई को देले भाई मु चूड़ा घसा भोग आसी टिके नियंतु से भाई भोग धरी तालचेर गले मु जो जगह चाकर कले हॉस्पिटल से तांकर कौन काम थिला हॉस्पिटल पहुँचिले एवं पहुँचला पर से मत कह भाई गोटे भोग देवी ने कहली कौन कहले जगन्नाथ चूड़ा घसा भोग मो आखिर धारधार लुह बही पड़ला मु कांदी कांदी कहली हे प्रभु हे जगतर साई जगन्नाथ मु तुमको केते दूर रे मागिली तुम्हें भक्त कथा शुणी प्रभु तुम्हें देदेल आउ कौन हो पारे बहुत लोक से भोग देली से जेतिके देतिले टिके टिके मुझे निजे पाइली निजक धन्य मन कर जय जगन्नाथ। जगन्नाथ पाखे निजक समर्पण कर दि तुम्हें सब पाइब से जो पाइबार मार्ग आपण बतेले पाई बोली बतेले धन्यवाद देवी आपको। जय जगन्नाथ टीवी पाखु। जय जगन्नाथ। प्रत्येक प्रत्येक भक्त कहते समर्पित हो गले समर्पण हो गले पाइबा तेणु मनरे संकल्प नवा आज ठू प्रभु मु तुम ये समर्पित भाव को आनी दर्शन भाव को रखा अंतर भितर अंतर्जामी को दर्शन कर प्रभुंर कृपा करुण को अनुभव करवा आम भी प्रभु को डाकवा आम भी प्रभु को अधिकार सब्यस्त करवा कारण आम सी जदि आम भी तांकर ए भाव आसू भाव विनिमय भावग्राही सहित करी कार्यक्रम को रखा भक्त अनुभूति कार्यक्रम दर्शनर भाव रभु को दर्शन करवा पारंपरिक अनेक भजन रही कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल माम भावपूर्ण कंठरे अनेक भजन आम प्रभु को दर्शन करवा मध्यान समय रे घरे रही प्रभुंर भजन प्रभुंर दर्शन में मनोनिवेश जावा पूर्व कह से जगन्नाथ नाम जय श्री जगन्नाथ समस्त की कहवा कहतु जय श्री जगन्नाथ हृदय सर्वदा कहतु प्रभु मो जगन्नाथ प्रभु मो जगन्नाथ प्रभु मो जगन्नाथ प्रभु मो जगन्नाथ।